हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एग्जांपल 5 और 6 करेंगे। इससे पहले के टॉपिक और एग्जांपल्स जो हैं वो मैं कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एग्जांपल 5 देखिए। एग्जांपल 5 और 6 को अलग से डिस्कस करने का पर्पस है क्योंकि ये एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक क्या है आपका? इक्विवेलेंस क्लासेस का टॉपिक है, जो कि आपके जाके प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 5 है, शो दैट द रिलेशन आर। रिलेशन आर आपको गिवन है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे और कंडीशन है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के सेट पे रिलेशन डिस्क्राइब्ड है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे इंटीजर्स का सेट, कार्टिजन प्रोडक्ट विद इंटीजर का सेट, जेड कार्टिजन जेड। गॉट इट? सो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी और जर्नल टर्म्स में भी, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको ये शो करना है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर कोई जर्नल एलिमेंट ए लूं और उसी ए के साथ मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो वो इस रिलेशन आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो रिलेशन की कंडीशन क्या है? वो सेटिस्फाई होगी तभी वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में लाए करेगा। सो रिलेशन की कंडीशन है आपकी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। सो यहां बी की जगह भी क्या है? ए। सो ए माइनस ए यू विल गेट 0, और 0 को आप 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी से भी डिवाइड करो, डिवाइड कर सकते हो आप, 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये ए ए बिलोंग्स टू आर, ये बिल्कुल हर एलिमेंट के लिए पॉसिबल है। सो जो रिलेशन है आपका वो हो गया रिफ्लेक्सिव। पर्टिकुलर एग्जांपल ले, मान लीजिए कोई इंटीजर लिया आपने, इंटीजर ले लिया आपने 3, 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और 3 3 का ऑर्डर्ड पेयर अगर आपने बनाया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 3 माइनस 3 यू विल गेट 0, तो वो 2 डिवाइड्स 0, सो बिलोंग्स टू आर। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड केस हमें देखना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशंस गिवन है पहले क्या, कि A1 A2 बिलोंग्स टू R होगा, ये गिवन है कंडीशन आपको, ठीक है। कि अगर ऐसा है, अब आपको चेक क्या करना है कि अगर ऐसा है तो A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो कोई दो एलिमेंट लिए मैंने AB, A1 A2 मान लीजिए या AB मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो AB लिए और वो कंडीशन क्या से, अगर वो बिलोंग्स टू R करते हैं तो मतलब क्या हुआ इसका, A माइनस B जो है उसको 2 डिवाइड करता है। सो A माइनस B को अगर 2 डिवाइड करेगा तो B माइनस A को भी 2 डिवाइड करेगा, और BA ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी रिलेशन में होगा या उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हर A और B के लिए जो कि उस इंटीजर के सेट में होंगे। गॉट इट? तो ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक भी होगा। पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, मान लीजिए AB की जगह लिए हमने 2 और 4 और कहा कि ये बिलोंग करता है रिलेशन आर में, रिलेशन आर में लाए करेगा, लाए कर रहा है रिलेशन आर में, इसका मतलब है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 माइनस 4 माइनस 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। अब चेक हमें क्या करना है कि 4 2 ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो, तो वो होगा क्यों, 4 माइनस 2 आपको मिलेगा 2, और 2 डिवाइड्स 2, कंडीशन सेटिस्फाइड। गॉट इट? सो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं, और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है अपनी, कि इफ ए बी
ordered pair belongs to R and BC ordered pair belongs to R implies that AC ordered pair belongs to R. ठीक, so ये condition हमें given होगी उसमें कि AB ordered pair lie करेगा relation R में, BC ordered pair lie करेगा relation R में, तो ये हमें check करना है कि ये भी lie करेगा या नहीं, और अगर ये lie करता है relation R में तो हमारा जो relation है वो transitive हो जाएगा. Got it? चलिए देखते हैं. AB रिलेशन R में लाए कर रहा है, इसका मतलब A माइनस B जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा है, यानी ये कोई इवन वैल्यू है. B माइनस C को भी 2 डिवाइड कर रहा है क्योंकि BC ऑर्डर पेयर भी लाए कर रहा है रिलेशन R में, यानी कि B माइनस C को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये भी कोई इवन वैल्यू है. गॉट इट? सो अगर इनको एड करूं मैं, ए माइनस बी, सॉरी A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दो इवन नंबर्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास इवन नंबर ही आएगा, और वो इवन नंबर इस केस में क्या आएगा, A माइनस सी, तो वो इवन भी डिविजिबल बाय 2 होगा और वो ऑर्डर्ड पेयर में आपको कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है. ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा. पर्टिकुलर एग्जांपल्स से भी हम इसको देख सकते हैं. देखिए 2, 4 लिया मैंने जो कि बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 2 - 4 - 2 मिलेगा आपको जिसको कि 2 डिवाइड करता है. आप लीजिए इसमें 4, 6 ले लीजिए, वो बिलोंग्स टू R होगा. क्यों? क्योंकि 4 - 6 फिर आपको -2 मिलेगा जो कि डिविजिबल बाय 2 है. सो 2, 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 - 6 आपको मिल जाएगा -4, और -4 को भी 2 डिवाइड करता है. गॉट इट? सो जनरल और पर्टिकुलर दोनों तरीके से हमने इसको चेक कर लिया कि ये एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो ये तो बात हुई इसको प्रूव करने की. अब इसके कारण जो इंटीजर का सेट है वो डिवाइड हो गया. देखिए कैसे, जीरो के साथ मैं दूसरा कौन सा इंटीजर रख सकता हूं कि वो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और रिलेशन की कंडीशन क्या है कि आप का जो भी a माइनस बी वैल्यू आएगी उसको 2 डिवाइड करना चाहिए. सो जीरो के साथ मैं रख सकता हूं 2 + - 2, प्लस भी और माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटीजर्स में आपको नेगेटिव भी मिलते हैं और पॉजिटिव भी. जीरो के साथ मैं +-4 रख सकता हूं, क्योंकि देखिए इस केस में क्या आएगा, 0 - 2 तो आपके पास -2 आ जाएगा जो कि 2 से डिविजिबल है. 0 - -2 अगर -2 रखता हूं तो वो आ जाएगा 2 जो कि डिविजिबल बाय 2 है. 0, 4 रखता हूं तो उसमें भी वो भी सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, रिलेशन R में लाए करेंगे. क्यों? क्योंकि 0 - 4 आपके पास -4 आ गया, और 0 - -4 आपके पास +4 आ गया, और वो दोनों ही डिविजिबल बाय 2 है. सो 0 + -6 और इस तरीके से ये वैल्यूज मिलती जाएंगी. 0 के साथ क्या मैं +-3 रख सकता हूं? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 - 3 आपके पास -3 आया जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है. ठीक है, 1 के साथ अगर +-3 रखूं तो देखते जाइएगा ये क्या रिजल्ट आते जा रहे हैं. 1 के साथ +-3 रखूं तो 1 - 3 आपके पास -2 आ गया जो कि डिविजिबल बाय 2 है. ठीक, इसी तरीके से 1 के साथ अगर मैं +-5 रखूं तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि 1 - -5 करूंगा तो 6 आ गया जो कि डिविजिबल बाय 2 है, और 1 - 5 क्या, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिया, वही लिख रहे हैं ना हम +-5, तो 1 - 5 क्या तो -4, वो भी डिविजिबल बाय 2 है. यानी 1 के साथ आप ओड नंबर्स रख सकते हैं सारे, या यूं कहूंगी 1 के साथ आप पेयर अप करके ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, सभी ओड नंबर्स को उसमें रख सकते हैं. 0 के साथ आप सभी
इवन इंटीजर्स को लेके ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात कि जीरो के साथ आपको सिर्फ इवन नंबर्स ही यूज करने हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए, और वन के साथ आपको सिर्फ ओड नंबर्स ही, ओड इंटीजर्स ही यूज करने हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए। यानी कि आपका जो इंटीजर्स का सेट है ना, वो दो सबसेट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक तो जीरो के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और एक वन के साथ अटैच्ड है। लाइक दैट, इस सेट को जिसमें सारे इवन नंबर्स हैं इसको नाम दे देते हैं हम ई, और इसको जिसमें सारे ओड नंबर्स हैं इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ओ। सो एक सेट ऐसा जिसमें सारे इवन नंबर्स आ गए आपके, या यूं कहूं कि ये इंटीजर्स के सेट का पार्टीशन हो गया, और उसमें एक सबसेट ऐसा बन गया जिसमें सारे इवन इंटीजर्स हैं, और एक सबसेट ऐसा बन गया जिसमें सारे ओड इंटीजर्स हैं, और ये दोनों सबसेट जो हैं ये डिसजॉइंट होंगे। यानी कि ई इंटरसेक्शन ओ अगर करूंगा तो मेरे पास एक नल सेट आएगा। कहने का मतलब ये कि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट एक दूसरे में नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर इनका मैं यूनियन करूंगा तो मिला के आपको वापस इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा। दूसरा, ई सेट में जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी इनको यूज करके आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो। आप 2, 4 का ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो, -2, 4 का ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो, -2, -4 का ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो। वो सारे बिलोंग्स टू आर होंगे, यानी जो गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही ओड नंबर का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी कि 3 के साथ 5 रिलेट करके आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, वो बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा, क्योंकि 3-5 आपको 2 मिलेगा, और कंडीशन क्या है हमारी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए डिफरेंस, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 3 के साथ 7 कंबाइन करके आप बना सकते हो ऑर्डर्ड पेयर, और वो भी इसी रिलेशन में लाए करेगा। यानी कि इवन सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ या दूसरे के साथ पेयर अप होके और आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दे सकता है जो कि लाए करेंगे उस रिलेशन आर में। ऐसे ही ओड नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पेयर अप होके ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन में लाए करेंगे। बट इवन नंबर के सेट से कोई नंबर लेके और ओड नंबर के सेट से कोई दूसरा नंबर लेके आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, और वो मतलब वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन में लाए नहीं करेंगे, बनाएंगे तो आप वो इसमें लाए नहीं करेंगे। जैसे देखिए आपने 3 ले लिया और 4 ले लिया, तो कंडीशन हमारी क्या है, 3-4 जो इनका डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, बट ये आया है 1, इनका डिफरेंस आया है 1 और वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। सो 3-4 कंटेनिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन आर में लाए नहीं करेगा। गॉट इट। सो प्रॉपर कंडीशंस देखिए ये बनी आपकी कि द सेट ई ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड द सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड द सेट ओ ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट के सबसेट हो गए, और ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या क्या कंडीशन? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे खुद के सेट में ही, उससे बाहर नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट ऑफ सेट ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ओ एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी, ये कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करेंगे ये, ई एंड ओ, सेट ई एंड सेट ओ आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होने का मतलब इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और अगर मैं ई इंटरसेक्शन ओ करूं तो मुझे एक नल सेट मिलेगा, ठीक, डिसजॉइंट होंगे। और अगर
ई यूनियन ओ करूं तो मुझे वापस इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे। ये तो हो गई इस एग्जांपल से रिलेटेड बात। इन जनरल आप कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्क्राइब करें किसी भी सेट पे, मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इन जनरल कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट पे अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को सबसेट्स में डिवाइड कर देता है जो कि इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, गॉट इट। और उन सबसेट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो यहां जो ये दो सबसेट बने, एक इवन नंबर का सबसेट और एक ओड नंबर का सेट, ये इवन नंबर का जो सबसेट है वो रिलेटेड है जीरो के साथ और ओड नंबर का सेट जो है वो रिलेटेड है वन के साथ। तो ये जो सबसेट ई है इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, और जो सेट ओ है उसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जीरो से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग वन से। तो ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई। और इसमें देखिए आप, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो इज नॉट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, और आप फर्दर कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इवन नंबर्स वेयर आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो जो है, जो ई है उसमें सारे क्या हैं, जो सेट ई बना उसमें सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। सो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स, एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ऑल ओड नंबर्स वेयर योर आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इन जनरल अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट पे, किसी भी सेट एक्स वाई जेड किसी भी सेट पे आप डिस्क्राइब करें कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन, वो उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए आई से। और वो जो क्लासेस हैं वो सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी जो अभी अभी हमने डिस्कस की हैं। दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड ए आई यूनियन ए जे विल गिव यू द सेट अगेन, एंड ए आई इंटरसेक्शन ए जे विल गिव यू नल सेट। क्योंकि इन दोनों सेट्स में ऐसे ऐसे जो इक्विवेलेंस क्लासेस हमें मिलेंगी वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, उनमें आपस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, गॉट इट। और इसमें मजे की बात ये है कि अगर आपके पास क्लासेस गिवन है, डिसजॉइंट ऐसी डिसजॉइंट क्लासेस गिवन है, इक्विवेलेंस क्लासेस, तो आप रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब रिवर्स भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए आपको गिवन है, इस बार जनरल बात नहीं कर रहा वो, उसने एक पर्टिकुलर सेट आपको प्रोवाइड किया है और रिलेशन आर प्रोवाइड किया है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी मिलेंगे सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, या तो वो ओड है या फिर वो इवन है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सो 1-1 देखिए, 1-1 दोनों ही ओड हैं और हमारी जो कंडीशन है वो भी ये है कि या तो वो ओड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए, दोनों ओडेड पेयर के दोनों एलिमेंट्स या तो वो ओड होने चाहिए या फिर वो इवन, ये दोनों ओड हैं सो बिलोंग्स टू आर होंगे। सेकेंड एलिमेंट देखिए 2-2, सो ये दोनों इवन है तो बिलोंग्स टू आर होंगे। थर्ड देखिए 3-3 एलिमेंट है, एलिमेंट 3-3 उनसे ऑर्डर्ड पेयर भी बना है तो ये भी लाए करेगा रिलेशन आर में क्योंकि दोनों ओड हैं।
फोर फोर, ये दोनों इवन हैं तो लाई करेंगे आर में, ऐसे ही फाइव फाइव, सिक्स सिक्स और सेवन सेवन। सो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन को? ए ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो सेट ए का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन आर। सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड देखिए, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए कि वन और मान लीजिए दूसरा आता है थ्री, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये बिलोंग्स टू आर क्यों है? क्योंकि वन और थ्री दोनों ही क्या है? ओड है। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारी कंडीशन क्या है कि या तो दोनों ओड हो या फिर इवन हो। सो वन और थ्री दोनों ही ओड हैं, सो बिलोंग्स टू आर होंगे, विच इंप्लाइज दैट थ्री वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो वो भी होगा भाई, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? ओड है, कोई दिक्कत नहीं है। वन थ्री बिलोंग्स टू आर होगा तो थ्री वन भी बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसे ही अगर आप इवन के केस में देखें, टू फोर बिलोंग्स टू आर होगा तो वो इंप्लाई करेगा कि फोर टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वो क्या है कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर 1 3 बिलोंग्स टू R है और 3 5 बिलोंग्स टू R है तो वो इंप्लाई करे कि 1 5 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, जो कि होगा इस केस में। कैसे? देखिए 1 3 जो है वो दोनों ओड हैं, 3 5 ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये भी ओड हैं, तो 1 और 5 भी तो ओड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ट्रांजिटिव भी होगा ये। ओके, इवन के लिए देखिए, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, दोनों इवन है, और 4 6 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों भी क्या है? इवन है, विच इंप्लाइज दैट 2 6 बिलोंग्स टू आर, जो कि सही है क्योंकि 2 और 6 भी क्या है? दोनों इवन है। तो जो रिलेशन है अपना वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उससे आगे वो क्या कहता है देखिए, फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7। तो अब देखिए, जैसा कि हमने एग्जांपल 5 के साथ डिस्कस किया कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन सेट को, जिस सेट के ऊपर वो डिस्क्राइब्ड है, उसको दो या दो से ज्यादा सबसेट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहां भी ये जो गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन है इसने दो सबसेट्स बना दिए, एक कंटेनिंग 1 3 5 7 जिसमें सारे ओड नंबर्स हैं और एक जिसमें सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और जैसा कि रिलेशन में गिवन है, ओड के साथ आप पेयर अप करके ओडेड पेयर बना सकते हैं जो इस रिलेशन में लाए करेंगे। 1 3 3 5, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, 1 3 3 5 या 5 7 या फिर 3 7 या फिर 1 7, ये सारे ही लाए करेंगे रिलेशन आर में, ठीक है। ऐसे ही जो इवन नंबर्स का सेट बना उसमें भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं जो कि लाए करेंगे रिलेशन आर में, जैसे 2 4 हो गया या 4 6 हो गया या 2 6 हो गया, लाइक दैट। बट एक एलिमेंट आप इसमें से रखें ओड नंबर्स वाले सेट में से, और एक एलिमेंट रखें आप इवन नंबर्स वाले सेट में से, तो वो बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। देखिए जैसे 2 3, तो ये एक इवन है और एक ओड है जो कि अपनी कंडीशन में फिट नहीं बैठता, जो रिलेशन की कंडीशन है उसमें फिट नहीं बैठता, तो ये हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। तो वो यही कह रहा है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट कंटेनिंग 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यस, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6, तो वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।